क्लास 12th के वैसे बच्चे जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। नारायण विद्या केंद्र में 5 जनवरी से न्यू बैच की शुरुआत हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन अपने सभी दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू। तो पहले 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत 5 से करते हैं। 5 नंबर क्या है क्वेश्चन कि x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, 2x क्यूब बाई, यही ना। इसमें सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारे वेरिएबल को एक तरफ करते हैं जो सेम वेरिएबल होता है। तो सारे वेरिएबल जब एक तरफ होगा तो हम क्या करेंगे कि x माइनस वन को उधर भेजना होगा, है ना, और y को इधर भेजना होगा। तो ये हो जाएगा d बाई बाई बाई, y को इधर कर लिए, उधर हो गया हमारा कितना 2x³ x-1 और dx, है ना। अब इसी को ब्रेक करने की जरूरत है हम पड़ेगा हमको, तब यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy और ये हो जाएगा कितना 2x³, तो बाहर निकाल लेंगे x³ x-1 dx हो जाएगा। अब हमको यहां सोचना होगा कैसे इसको इंटीग्रेट करें कि इसको इसका इंटीग्रेशन हो जाए, यहां से ये सोचने की जरूरत कैसे किया जाए। डिवाइड कर देंगे, चलो डिवाइड अगर करोगे तो क्या मिलेगा, करते हैं एक्स क्यूब को डिवाइड करते हैं किससे, एक्स माइनस वन से, तो एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x³ - x² हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x² हाँ, और प्लस एक्स से लगाएंगे तो हो जाएगा x² - x हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो जाएगा प्लस एक्स, और प्लस वन से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना x-1, ये कट जाएगा और ये वनली वन बचेगा, इसको हम ये लिख देंगे, है ना। तो इसको अब यहां से क्या करते हैं कि हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा डी बाई बाई वाई इक्वल टू, इसको जो लिखने का तरीका होगा वो ये होगा कि x² + x + 1, हाँ x² + x + 1, उसके बाद प्लस, हाँ प्लस 1/x-1 है कि नहीं। अब सबको सेपरेट कर देंगे, सबको सेपरेट करना होगा, तो सेपरेट करेंगे तो एक और जरा लिख देते हैं, एक मिनट एक बार और लिख देते हैं, उसके बाद फिर कर देंगे, तो 2 रहेगा पूरे के साथ और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx + x dx + dx + 1 dx + 1/x-1 dx, ये हो जाएगा। अब यहां से एक बार इंटीग्रेट कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा x³/3, 2x³/3 + 2x²/2 + 2x और प्लस 2 log, सी तो फ्री रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हाँ यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, यहाँ जो हो जाएगा आंसर फाइनल वो हो जाएगा log by 2x³/3 x² + 2x, हाँ 2 × log x-1 + यही आंसर होगा शायद, देख लो। तो हो जाएगा e^(x) + e^(-x) e^(x) + e^(-x) dy और माइनस क्या है, हाँ dx इक्वल टू ठीक, ये है तो डी बाई अकेले है, मतलब y का कोई भी टर्म इसमें नहीं है, देख लो अकेले कौन है डी बाई, और x वाले हैं बहुत सारे हैं, यानी x वाले को अलग किया जाए और को अलग किया जाए, चलो बढ़िया। तो इसको पहले अलग करते हैं,
तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू, उधर चल जाएगा तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस एक्स और डी एक्स जाएगा क्या। अब हो जाएगा डी वाई इक्वल टू, ये चल जाएगा उधर तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा, हाँ, और डी एक्स। अब जरा इंटीग्रेट कर लेंगे, यहां से लेते हैं अगला स्टेप में, टेकिंग इंटीग्रेशन डी वाई और ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। इस पूरे के पूरे टॉपिक में हमको यही करना है कि हम वेरिएबल को अलग अलग करना है, बस नाम ये वेरिएबल सेपरेबल है ना, वेरिएबल को सेपरेट करना है, नाम चैप्टर का है वेरिएबल सेपरेबल। यही क्वेश्चन से मुलाकात होगा दोबारा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, है ना, क्वेश्चन नहीं रहेगा, बनाने का टेक्निक थोड़ा चेंज होगा। जैसे मेथड बाय पार्ट्स हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, सब क्या है वही ना है, उसी में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वही आ रहा है, चेंज हो रहा है मेथड बनाने का, बस वही है। अब यहां पर जरा सा क्या करना होगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ऐसा है ना कि देखो इसको अगर तुम t मान लो ये वाला आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, देख लो तुम यहां से। तो अगर हम मान लेते हैं यहां पर कि लेट e टू द पावर x माइनस प्लस e टू द पावर माइनस x को t अगर सपोज कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हो जाएगा e टू द पावर x, ये माइनस हो जाएगा नीचे, तो माइनस e टू द पावर माइनस x और dx इक्वल टू dt हो जाएगा क्या। अब इसको हम चेंज कर देंगे तो इधर लिख देते हैं जरा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dy, नहीं dy बन गई, कितना है dy और इक्वल टू, अगर हमने इसको माना है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को कितना t, तो ये t हो गया, तो ये हो गया क्या इतना इनटू dx को dt लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1 by t dt, देखो तो सही है। और अगर ये सही है तो यहां से हमारा आंसर आ गया y इक्वल टू हो जाएगा log t प्लस c हो जाएगा, और यहां से कर सकते हैं y इक्वल टू log t और t का वैल्यू हम जानते हैं e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x और प्लस c हो जाएगा, शायद यही आंसर है क्या, देखो तो देख लो जरा, यही है। अगला क्वेश्चन है e टू द पावर 2x माइनस 3y, e टू द पावर 2x माइनस 3y आगे क्या है dx प्लस मेन मुद्दा है कि हम वेरिएबल को अलग करें, है ना, मेन मुद्दा क्या है वेरिएबल को अलग करना है। चलो करते हैं, तो पहले हमको ये बताओ कि अगर x पे पावर a माइनस b होता है इसका मतलब क्या, बिल्कुल पता है हम लोग को, इसी का यूज करेंगे एक्सपोनेंट का, तो इसका अगर यूज किया जाए तो करते हैं इसको, तो हो जाएगा e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर 3y dx इक्वल टू, अच्छा इसको उधर कर लो, माइनस कर लो e टू द पावर 2y बाई, बस समझ आई है ना, डायरेक्ट हम कर लिए एक स्टेप, इसको डायरेक्ट उधर भेज के ये कर दिए। अब यहां से देखो ये y वाला इधर है और x वाला इधर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हम कर देंगे क्या e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 3x dx और माइनस हो जाएगा e टू द पावर 2y इंटू e टू द पावर 3y dy है कि नहीं, ये हो जाएगा 2 × 3 × 5x 5x dx और ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर 5y dy। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x dx और हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5y dy, इसका इंटीग्रेशन जानते हो तुम e टू द पावर 5x बाई 5 है ना, बिल्कुल ये हो जाएगा और कितना प्लस सी किधर एक साइड लिख देंगे, अब माइनस ये हो जाएगा e टू द पावर 5 बाई 5
है ना, प्लस सी, ई सी कॉन्स्टेंट है, ध्यान रहे है ना, पांच से पांच को तुम काट सकते हो आराम से, फाइव से फाइव कर सकता है ना। कोई कहे कि कैसे, तो इसको फाइव इसके भी नीचे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है ना, ध्यान रहे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर मिल जाएगा है ना, वो हो जाएगा e टू द पावर 5x, हाँ इसको इधर डाइट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस e टू द पावर 5 बाई इक्वल टू c लिखो, प्लस c लिखो माइनस c लिखो, उसे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है क्या, देखो ये नंबर में है कि e टू द पावर x tan y dx, e टू द पावर x tan y dx प्लस बोलते जाना 1 माइनस हाँ ब्रैकेट में sec sec स्क्वायर y, चलो ठीक है। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर है भाई इतना ही कि बस इसको जो है हमको पहले उधर कर देंगे तब tan y sec y और d y एक तरफ हो जाएगा क्या, हाँ तो हो जाएगा e टू द पावर x tan y dx इक्वल टू हो जाएगा, पहले उसको उधर भेजें तब माइनस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं और tan y को उधर भेजते हैं क्योंकि नीचे में dy तो नहीं होगा, ऊपर ही होगा, ये हो जाएगा e टू द पावर x dx डिवाइड बाय 1 माइनस e टू द पावर x है ना, इक्वल टू हो जाएगा minus, हाँ माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y ए ना, हो गया। अब tan y को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही मिलेगा क्या, यहां सपोज करना होगा पहले इंटीग्रेशन कर ले लिख ले, या फिर डायरेक्ट मान लो लेट tan y इक्वल टू t मान लेते हैं, इसका हो जाएगा कितना, हाँ अभी अगला स्टेप में कर लेंगे है ना, ये हो जाएगा कितना sec स्क्वायर डी बाय इक्वल टू डी टी। तो हम आराम से लिख पाएंगे इसको, इसको करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, हाँ इसको ही मानना होगा, अब 1 माइनस e टू द पावर x, एक एक मिनट यहीं लिख ही देते हैं क्या, इसको भी यहीं पर लिख ही देते हैं, अगेन लेट 1 माइनस e टू द पावर x इक्वल टू p क्या, ये हो जाएगा इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो माइनस e टू द पावर x हो जाएगा, माइनस e टू द पावर p और dx बराबर क्या हो जाएगा dp बोल सकते हैं। अब इसको यूज करो यहां पर, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इधर से, तो अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x by 1 माइनस e टू द पावर x dx इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस रहेगा sec स्क्वायर y dy / tan y ठीक है। यहां पर हमने सब कुछ मान लिया, देखो यहां पर e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx को माइनस dp लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस dp, और ये 1 माइनस e टू द पावर x को क्या लिखेंगे p लिखेंगे, तो ये p हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर बाई डी वाई वाई sec स्क्वायर बाई डी वाई को डी टी डी टी और बाई डी हो जाएगा, माइनस से माइनस तो कम से कम कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा ये हमारा log p इक्वल टू log t और प्लस c, नहीं आंसर में से कैसे देगा इक्वल टू c, ये हो जाएगा log p माइनस p बाई टी हो जाएगा इक्वल टू सी है ना, लॉग में ही आंसर होगा, लॉग में आंसर नहीं है, बिल्कुल होगा क्या है, तो लॉग से लॉग को कितना देख लेते हैं आंसर कितना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 10 नंबर है, 9 10 10 by equal to c into 1
हाँ तो कर सकते हो, कर सकते हो। देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जीरो, एक तरह से कॉन्स्टेंट जीरो भी होता है, एंटी लॉग लेंगे तो खत्म हो जाएगा, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको तुम पी बाई टी बराबर भी सी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसका पी जो है, पी हमारा कितना, वन माइनस ई टू द पावर एक्स, है ना, पी हमारा हो गया वन माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई टी, कितना हो गया टेन वाई इक्वल टू सी। तो आंसर यही है ना, वन माइनस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू सी टेन वाई, किधर भी रहे कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टेंट है ना वो। कहां से इसको, ये वाला, हाँ देखो अगर ये कॉन्स्टेंट है एक तरह से जीरो भी है, ठीक है ना, तो जीरो अगर है वो तो हम लॉग को उधर भेज सकते हैं, खत्म हो जाएगा वो। 12 नंबर आ जाओ, cos x 1 plus cos by dx, cos x cos by dx माइनस साइन बाई, अच्छा माइनस साइन बाई तो उधर चले जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा ना, साइन बाई 1 प्लस साइन एक्स डी वाई, वन प्लस डी वाई, ठीक है। सबसे पहला काम रहेगा कि हमको यहां से वेरिएबल को सेपरेट करना, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो यहां से हम ये कर सकते हैं ना, कॉस एक्स डी एक्स और कॉस एक्स कॉस वाई डी एक्स अलग करना ही पड़ेगा, दोबारा दूसरा तो कोई उपाय है ही नहीं। और नहीं तो अगर हम cos by 1 plus cos by को इधर भेज दे और 1 plus sin x को इधर भेज दे, डायरेक्ट 2 हो सकता है, तो हो जाएगा cos x by 1 plus sin x dx, और हो जाएगा sin by dy और by हो जाएगा 1 plus cos y, तो हो गया सब सेपरेट। अब 1 plus sin x को डिलीट कर लेंगे और 1 plus cos y को डिलीट कर लेंगे, कर लेते हैं लेट, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू कितना p मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी पी, ओ साइन ना है, हाँ तो माइनस, और इधर हो जाएगा लेट 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू टी जो मानते थे, नहीं ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, इसका यूज करेंगे। यहां से जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन वाई डी वाई बाई वन प्लस कॉस वाई, इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स को डी पी, डी पी बाई पी, और ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई टी, यही ना, अभी जरा स्पेस मिलेगा नहीं, इधर लिख देते हैं, तो वही बात होगा लॉग पी लॉग टी, लॉग पी इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस, बिल्कुल हटा देंगे वो इसी तरह से, है ना, इसमें पी इंटू टी होगा, पी इंटू टी होगा, ध्यान रहे, लॉग पी प्लस लॉग टी इक्वल टू सी, यहाँ हो जाएगा log p into t equal to c, और हो जाएगा p into t बराबर कोई constant, है ना, और यहां से हो जाएगा p का वैल्यू को पता है, वन प्लस cos y, आंसर इसी फॉर्म में है या और कुछ किया है, यही फॉर्म में है, देख लो ये हो गया 12 नंबर, है ना। नंबर में क्या है, cos dy by dx, cos dy by dx इक्वल टू कितना a, है कि नहीं, ये हो गया। अब यहां से हम और कुछ दिया हुआ है क्या, where a belongs to r, where a belongs to r, है ना, and y इक्वल टू, ऐसा ही क्वेश्चन चलता है नवादा में,
है ना, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसा ही क्वेश्चन चलता है नवादा में, जहां एग्जाम इसी तरह से होगा रोज, है ना। समझ रहे हो जी? हाँ समझ रहे, लिख ले, लिखना नहीं है इसका भी, ठीक है ना। उस तरह से करेंगे, सिलेबस जल्दी खींचा जाता है, टाइम नहीं लगेगा। चलो कोई बात नहीं, देखें यहां से जाएगा कितना, देखो तो ये cos d by dx equal to a है, cos को उधर भेज दे, d by dx equal to हो जाएगा क्या, cos inverse a हो जाएगा क्या। यहां से अगर देखा जाए तो ये चल जाएगा इधर, तो d by equal to हो जाएगा dx into cos inverse a। एक्चुअली cos inverse a दोनों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कांस्टेंट है, तो कुछ हमको मतलब बनता नहीं उससे, तो हम सीधा इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा कॉस इनवर्स ए। इसको पहले लिखते ज्यादा अच्छा लगता है, चलो लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया कितना, वनली वाई, ये हो जाएगा वनली एक्स, और जाएगा कॉस इनवर्स इन टू कॉस इनवर्स ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इंटीग्रेट जब करोगे तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट भी तो आएगा क्या, प्लस सी भी तो आएगा, देखो यहाँ प्लस सी आएगा, और प्लस सी आएगा तो पता है ये बाई जी नहीं, पहले सी को इधर भेजना होगा, ये प्रोसेस ही गलत हो जाएगा फिर, है ना। यहाँ से क्या होगा कि पहले बाई माइनस सी होगा इक्वल टू होगा एक्स इंटू कॉस इनवर्स ए होगा, और इसके बाद हो जाएगा वाई माइनस सी, बाई हो जाएगा एक्स, बाई हो जाएगा x इक्वल टू कॉस इनवर्स a हो जाएगा। अब यहां से देखोगे तो y माइनस सी, यानी y का मतलब 2 माइनस सी, अब y 0 इक्वल टू कॉस इनवर्स a हो जाएगा, और 2 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और c इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको पुट कर देंगे कहां, इस क्वेश्चन की जगह, है ना। तब हमारा आंसर जो आएगा, देन जो आंसर होगा, एक्चुअली ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, एक एक तरह से टू ही वर्क कर रहा है। यहां से cos d by dx, क्वेश्चन में क्या है, cos d by dx आंसर सर, a का वैल्यू है cos y minus 2 मतलब वहां पे cos क्या है y minus 2 by x। हां तो यहां पर पुट कर दो ना, यहां पर, यहां पर, यहां पर है कि नहीं, यहां पर तो हो जाएगा cos y माइनस टू, है ना। अब y x, पहले x को इधर भेजना होगा, यहीं पर पुट करो ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना, या फिर यहाँ पर, यहीं पर ठीक रहेगा। तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा y माइनस टू अब y x इक्वल टू cos इनवर्स a, यही आंसर है क्या, इधर कर दिया, चलो कर लो। तो y माइनस टू बाई एक्स माइनस कॉस इनवर्स ए, ऐसे ना, अच्छा कॉस को खाली इधर भेजा है, ओके सिर्फ कॉस को भेजा, तो कॉस इधर आ जाएगा, तो कॉस हो जाएगा y माइनस टू बाई एक्स इक्वल टू ए, ये आंसर। इसमें है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स बाई स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू है माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, हेलो नहीं, और इट इज बीइंग गिवन दैट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, ये लिमिट दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें ये किया जाए कि dy by माइनस फोर एक्स स्क्वायर या फिर y स्क्वायर को हम नीचे कर रहे हैं, है ना, और ये dx चल जाएगा ऊपर, तो माइनस फोर एक्स डी एक्स हो जाएगा। दोनों को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी वाई बाई वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस फोर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। यहां से देखो तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस बाई पावर माइनस थ्री हो जाएगा, है ना, हाँ बाई पावर माइनस वन, y पे पावर माइनस वन और y माइनस वन, माइनस वन, हाँ ठीक है ना, मतलब यू कह लें कि y पे पावर माइनस वन बाई माइनस वन, अब प्लस सी रहेगा उसके साथ कर लेंगे, माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी,
है ना, ये हो जाएगा माइनस वन बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा, टू से कट जाएगा तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। हाँ कौन माइनस ये, हाँ काट सकते हैं। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से वन बाई इक्वल टू वन तो माइनस वन, बाई का वैल्यू वन पुट करते हैं तो माइनस वन कट जाएगा रुकुन, और माइनस टू एक्स स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा, यानी सी का वैल्यू कितना वन, सी का वैल्यू माइनस वन को प्लस वन को कॉन्स्टेंट है ना, ध्यान रहे। तो अब क्या कहता है आंसर, तो आंसर कहता है कि आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर जो है जहां पर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट इंटीग्रेट खत्म हो जाता है वहीं पर हम लोग आंसर उसी को लिखते हैं, तो आंसर यहीं पर देगा है ना, या फिर यहां पर दे देगा। हाँ तो यहां पर से आंसर क्या दिया है देखें, तो ऊपर कर दो तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू, ये नीचे चलाएगा तो हो जाएगा वन बाई माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। हाँ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यू कर लो कि वाई इक्वल टू तुम कह सकते हो कि वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस सी, हाँ है ना, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही आंसर है क्या? Yes, sir. चलो है ना, कहाँ पे दिक्कत है बोलो, क्लियर है? 14 भी कंप्लीट है। कौन सा माइनस यहां से निकालोगे ना कॉमन, तो माइनस निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, और ये माइनस सी है तो सी का वैल्यू माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस प्लस वन।